फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैंने जो लुक आपके लिए क्रिएट किया है, आज मुझे एक पार्टी में जाना है, तो इसलिए मैं आपके लिए फिर से एक पार्टी इवनिंग पार्टी मेकअप लुक लेकर आई हूँ, जो मैंने आपके लिए वो भी क्रिएट किया है। तो मैंने सोचा आपके लिए साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया था और अपने आईलिड्स को कंसील कर लिया था। मैं उषा के पैलेट में से ये येलो शेड लेकर पाउडर की अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी अच्छी तरह। अब मैं यहाँ पर मैक के पैलेट में से ये ब्राउन सी शेड ले रही हूँ, जो मेरी स्किन टोन से मिलता जुलता है। इसके साथ हम ट्रांजिशन शेड बनाऊँगी और इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी फ्रेंड्स, और अच्छी तरह मैं धीरे धीरे ही कलर पिक करूँगी और उसको ब्लेंड करती जाऊँगी जितनी मुझे इंटेंसिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पर कारा ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ और इसको मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी और मैं इसको अच्छी तरह अपने ट्रांजिशन शेड के साथ ही मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी फ्रेंड्स। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और इसको फ्रेंड्स मैं अपने आउटर वी पे भी साथ साथ में ही ब्लेंड करती जाऊँगी अच्छी तरह। आप देख सकते हैं कि अब ये शेड अच्छी तरह ब्लेंड हो गई है फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पर सेम पैलेट में से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसको मैं अपनी जो आउटर वी है वहाँ पर पहले प्लेस करूँगी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही मैं इसको अंदर की साइड पर ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह इंटेंसिटी के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं ये रोमांटिक ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये मैं शिमरी शेड ले रही हूँ, शैम्पेन शिमरी शेड है ये। उसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी, जहाँ मैंने कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया था वहाँ पर मैं इसको लगाऊँगी और अच्छी तरह मैं इसको फ्रेंड्स ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, फिर से मैं कारा ब्यूटी के पैलेट में से ये ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और दोनों शेड्स को अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर सिल्वर ग्लिटर ले रही हूँ, ये फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा ग्लिटर है, ये आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं देता, बहुत सटल सा है, ये लिक्विड ग्लिटर है। इसको मैं जहाँ मैंने सिल्वर जो कलर अप्लाई किया था शैम्पेन सी शेड, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह लगा दूँगी। उसके बाद फिर से मैं ब्राउन शेड लेकर थोड़ा थोड़ा मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं मेबिलिन का बेबी स्किन प्राइमर ले रही हूँ, इसको मैं पहले अपने टी जोन पे अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी, उसके बाद मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी अच्छी तरह। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एले गर्ल का येलो कंसीलर ले रही हूँ, इसको मैं अपनी अंडर आइज नोज़ पे अपने पूरे फेस को जहाँ जहाँ मैं यूजुअली हाईलाइट कर ली वहाँ हाईलाइट कर लूँगी, लेकिन आज मैं फ्रेंड्स डिफरेंट तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। आज मैं अपने जो हाईलाइट करना है फेस को वो मैं अपने फाउंडेशन से पहले करूँगी ताकि नेचुरल सा मुझे हाईलाइट मिले। अब मैंने यहाँ पर प्रो मैट हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन लिया है, उसमें तो इसमें मैंने फ्रेंड्स एले गर्ल का लुमिनियस ग्लो मिक्स किया है। आप देख सकते हो, आपको शायद मेरा फेस थोड़ा वाइट वाइट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एले गर्ल ग्लो की वजह से है। अगर आपको ये यूज़ करना हो तो प्लीज़ आप जो अपनी फाउंडेशन है थोड़ी सी अपनी स्किन टोन से डार्क लें। डोंट वरी फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल आफ्टर ब्लेंडिंग एवरी थिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। अब फिर से फ्रेंड्स, मैं ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं ब्राउन शेड लेकर भी इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिप मिस हो गया है, मैंने ब्लैक शेड ली थी सेम पैलेट में से, उसको भी अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया था और एक पेंसिल ब्रश से स्मज कर दिया था। काजल ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपनी वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। अब मैं फिर से वही शिमरी शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपनी जो इनर कॉर्नर्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एयरस्पन का लूज पाउडर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने पूरे फेस को मैं सेट कर लूँगी। ये फ्रेंड्स पाउडर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये आपके फेस को बहुत अच्छी तरह सेट कर देता है और आपका फेस नेचुरल लगता है। अब मैं यहाँ पर मिस रोज़ का हाइलाइटर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने जो ब्रो बोन है अपनी उसको मैं हाईलाइट करूँगी। फ्रेंड्स, आई ऑलवेज इन्जॉय वैन एवर आई डू माई मेकअप, सो यहाँ पर मैं NC43 मैक का जो कॉम्पैक्ट है उसको ले रही हूँ, इसको मैं एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ मैं अपने पूरे फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूँगी।
एक वार्म्थ देने के लिए, अपने नोज़ को भी अपने एज अ कंटूरिंग मैं इसको अपने नोज़ पे भी लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर मेइस का ब्लशर ले रही हूँ, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मिस रोज़ का हाईलाइटर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर इसको लगाकर अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी अच्छी तरह, ताकि एक अच्छी सी हमें फेस पे अच्छी सी शाइन मिले, ग्लो मिले। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी ग्लो लग रही है मेरे फेस पे, नेचुरल सी ग्लो मिल रही है। इसके बाद मैं स्पंज की हेल्प से इस हाईलाइटर को मैं ब्लेंड कर दूँगी ताकि और भी नेचुरल लगे। अब मैं इसको अपने क्यूपिक्स वो पे भी लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर हुडा का रेड लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आउटलाइन कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स मैक का लिप ग्लॉस ले रही हूँ और मेरा शेड है हॉट फ्लेम। अब मैं यहाँ पर अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। अब मैं मेबेलिन के कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा के साथ अपनी लैशेस को कोट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर रशील का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और अपने फेस को इसके साथ सेट कर लूँगी फ्रेंड्स। और अब मैं ऑफलाइन अपनी जो आई लैशेज़ हैं फेक उसको मैं अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ओजी की लैश ग्लू है वो मैंने यूज़ की है। अब मैं यहाँ पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ अपने जो आई लैश बैंड है उसको ही कवर करूँगी। तो दिस इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। अगर आपको बोल्ड लिप्स चाहिए तो आप बोल्ड लिप्स रख, यहाँ पर बाद में मैंने इस लिपस्टिक को थोड़ा सा रिमूव करके इसके ऊपर ही मैंने मिलानी की 02 शेड जो लिपस्टिक है उसको अप्लाई किया था। सो दिस इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। अगर आपको ये लुक अच्छी लगे फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और लाइक भी ज़रूर करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।